गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। प्रातःकाल का आप सभी को नमस्कार। साथ में आज के ब्लॉग की हम शुरुआत करते हैं और आप सभी का स्वागत करते हैं इस नए और फ्रेश ब्लॉग में। दिन के लगभग 6:15 हो रहे हैं, 6:15 बज रहा है। आजकल सुबह और भी जल्दी हमको 5:30 के आसपास उठना पड़ता है और ये बड़ा मुश्किल काम है मेरे लिए। अभी टाइम वैसे 6:15 ही बज रहे हैं, लेकिन सूरज देखिए इतना ऊपर आ गया है, यानी अभी से ही उमस शुरू हो गया। गर्मी तो इतनी बेहाल है, टेम्परेचर इस समय हर जगह के हर शहर का टेम्परेचर देखिएगा तो 45-46 हाईएस्ट जा रहा है और पानी की भी प्रॉब्लम सब जगह शुरू हो गई है। तो गर्मी का तो स्थिति ऐसी है कि 8-8:30 बजे के बाद फिर आदमी घर से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो जा रहा है। फिलहाल हमारे घर के ऊपर से जो व्यू है, नज़ारा है, कुछ इस तरह का है। एक तरफ गर्मी का बेतहाशा बढ़ना और साथ में पानी की किल्लत, और दूसरी बात लाइट इलेक्ट्रिसिटी का भी प्रोडक्शन कम हो जाना। लेकिन गांव देहातों में अभी भी देखिएगा ये लाइट जल रही है। दिन के लगभग 6:25 हो गए हैं, लेकिन इस पर कोई कंट्रोलिंग नहीं है। और दिन में क्या छोड़िए, पूरा दिन जलता है। जब भी लाइट आएगी तो ये जलता रहेगा, तो इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। ये भी देखिए दूसरे पोल की लाइट है, ये भी जल रही है। तो पिछले ब्लॉक में आपने देखा कि कितना भारी हमारे एक बाबा लगते हैं, उनका नुकसान हो गया। पूरा जितना भी गेहूं का पुआल था उसमें आग लग गया था, और आग लगने का कारण अभी तक पता तो नहीं चला कैसे लगा, कैसे क्या हुआ। हाँ, उस पुआल के आसपास इन्होंने कुछ देर पहले आग लगाई थी छोटी सी, अब वही आग उड़ करके वहाँ चली गई या किसी दूसरे ने आग लगा दी। तो इस तरह की इस गर्मी में बहुत ज़्यादा कह लीजिए दुर्घटनाएँ हो रही हैं। कुछ दुर्घटनाएँ तो ऐसी भी हुई जो फसल कटी नहीं थी और खेत में फसल खड़े खड़े जल गई। तो बड़ा ही सावधानी से रखने की ज़रूरत है, और भगवान उनका नुकसान जो साल भर के लोग खेती करके रखते हैं अपने अनाज, वो चला जाता है। ये छत से ऊपर का नज़ारा है। एक पेड़ आपका यहाँ आम का है, ये आपका नींबू का है, और ये वाला भी आम का है, और ये अमरूद का है। लेकिन आम आया है, अमरूद तो मान लीजिए अभी सीजन नहीं है। और इस बार ये नींबू भी कह लीजिए बहुत थोड़ा सा आया हुआ है, वो भी हल्का सा दवा का हम छिड़काव किए थे तो आया था। ये पेड़ अभी तो ऐसे ही है। अगर सामने एक हमारे बाबू साहब हैं, उनका एक पेड़, ये एक पेड़ आप इधर भी नारियल का है। तो नारियल के भी पेड़ पौधा कह लीजिए यहाँ इस सब क्षेत्रों में लग जाते हैं, लेकिन नारियल तो होने को तो हो जाते हैं इधर क्षेत्र में भी, लेकिन बड़ा मेहनत करना पड़ता है। लेकिन इसके एक तरह से कह लीजिए ये खारे पानी का ही पौधा है, होता है लेकिन थोड़ा बहुत। बिना आखिर रोड में ही इतना पानी का अंतर क्यों हो गया है? कोस कोस पर पानी बदले, चार कोस पर पानी, पानी में बहुत जल्दी अंतर हो गया। चार कोस दूरी चल जाए तो वहाँ जल्दा भाषा बदल जाता है, भाषा बदल जाए। यही घोरावल चल जाए, घोरावल वाले इनका आयन गयन जिंदा की भाषा हो गई, भाषा बदल गई। पानी बड़ा अधिक देता सुबह सुबह की चाय मसालेदार चाचा के साथ। ऐसा इतना मॉर्निंग में हम चाय पीते नहीं है, लेकिन चाचा के से ये चाय आ गई तो पी लिए है। यहाँ से ऑलरेडी परमानेंट गाय से बैठल हूँ वहाँ। वहाँ हम भी देख के देखी ला ना कि वहाँ पे शाम को जब गई ला तो 3-4 लोग बैठकी लग रहा है। साइड इंचार्ज हुए हैं,
साइड इंचार्ज हुए हैं इलेक्ट्रीशियन टीचर टर्नर एक्चुअल में इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि उस प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है तो भाई हर तरह के आदमी रहेंगे रहना चाहिए उससे बुलेट बाटन का एक कोई कोई लेकर चल रहा है गिरा हुआ दूजने तो मकान का लगभग काम कंप्लीट होने को है और अब कल हो सकता है कि छत की ढलाई हो तो कुछ शटरिंग का सामान लाना है तो चलते हैं पहले शटरिंग का सामान ले आते हैं। आज रहेगा काल मंगल की नहीं जाए का मंगल की मंगलवार की पूछिए का रेट है ये जैसा ले ले बल्ली मतलब दूर क्या से लेकर 100 रुपया तक लंबाई की कैसे होगा लंबाई की तीन का रेट लगा अरे कमा दो दो चीज नहीं नहीं और लोग ले गलवाना है जानकारी कुछ बात तो उन्हें कहते हैं कि तीन करे अगर हम एक घंटा बदे भेजे तो 150 होके दे भाई करा गलत कहीं तो कहा है काम हुआ कंप्लीट और सेटिंग की व्यवस्था हो गई है सेटिंग का जो भी सामान था अब हम लोग यहाँ से ले लिए हैं आज ये लोग व्यवस्था करेंगे और कल जाकर के गैलरी के लेंटर डाला जाएगा तो इस एरिया को भी सलैया कहते हैं और यहीं से हम लोग गली पटरा ले जा रहे हैं ये भी आपका कह लीजिए कि ऊजी ग्राम पंचायत में ही आता है एक अलग टोला कह लीजिए है एक्चुअल में इसका टाइम हो गया है खोलने का अब ये चाहता है खोल आ जाए रात में हम इसे खोल देते हैं अभी तक खोले नहीं है इसलिए हल्ला कर रहा है तो इसी के साथ इस ब्लॉग की हम समाप्ति यहीं करेंगे रात के लगभग 10:15 बज गए हैं और गर्मी इतनी ज़्यादा है जिसके चलते ब्लॉगिंग अभी हो नहीं पा रही इतनी ज़्यादा तो इस छोटे से ब्लॉग को समाप्ति करेंगे चाहेंगे फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग में एक नए तरह से तब तक के लिए धन्यवाद।